नमस्कार वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन निवास। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांदरी कन्हान क्षेत्र की, जिसमें दो बड़े नेताओं के बीच मतभेद छिड़ चुका है, किसी युद्ध से कम नहीं है। इंटक वेकोली नागपुर क्षेत्र के अध्यक्ष श्री नरेश बर्वे जी, इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ के वर्धराज पिल्ले जी और शिव कुमार यादव जी, ये दोनों, वर्धराज पिल्ले जी जो है लाखों रुपये लेते हैं ठेकेदार से, और शिव कुमार यादव जी वहाँ के जो काम करने वाले जो असंगठित कामगार हैं उनसे 2000 रुपये प्रति महीना वह पैसे लेते हैं, ऐसा आरोप साफ तौर पे नरेश बर्वे जी ने लगाया है। यहाँ दलाली खाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, यहाँ तुम्हारे हक तो तुम्हारा हक दिलाने के लिए बैठा हूँ, और उसके बाद भी तुमको शिव कुमार के पास जाना, वर्धक पिल्ले के पास जाना, जहाँ जाना चले जाना। दोस्तों आखिर बात में कितनी सच्चाई है और क्या है सच्चाई, यह जानने के लिए इसके गह तक तह तक मैं गया, और जैसा कि आरोप लगाया गया कि शिव कुमार यादव जी जो है कि 2000 रुपये प्रति कामगार से लेते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने आरोप लगाया नरेश बर्वे जी, उनकी ही करीबी आशा कनोजे मैडम जो कांदरी ग्राम पंचायत में सरपंच भी रह चुके हैं और अभी इस समय वहाँ की ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, उनके पति से हमने बात किया, उनसे बात किया कि आखिर आपसे क्या वो पैसे लेते हैं शिव कुमार जी या नहीं लेते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण दशरथ कनोजे। कहाँ पे काम करते हैं आप? ये कॉम्पिटिशन बस के ऊपर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 3 साल। आपको काम पे किन्होंने लगवा के दिया था? अभी दूसरी बार टेंडर हुआ है तो अभी भैया ने लगाया, शिव भैया ने, शिव कुमार यादव जी ने आपको? हाँ, लगाया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपसे पैसे की कोई मांग की गई हो, लगाए हो तो? नहीं नहीं, जो 2000 रुपये की बात चल रही है कभी आपने दिया है? नहीं भैया नहीं, कभी पैसे का जिक्रिश नहीं हुआ। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है गलत है? नहीं, तो गलत है, गलत इल्ज़ाम। और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वहाँ के सरपंच, टेकाड़ी जो ग्राम पंचायत है वहाँ के सरपंच सौ सुनीता पृथ्वीराज मेश्राम, हम इनके रिश्तेदार वहाँ काम करते हैं असंगठित कामगार में, हम इनसे ही बात किए। कब से काम करते हैं आप यहाँ पे? मेरे को 2 साल हो गए। प्राइवेट ठेके में काम करते? हाँ, प्राइवेट। कहाँ पे काम करते हैं? इंदर। तो आपको नौकरी मतलब किनके थ्रू लगी थी, किन्होंने लगवा के? शिव कुमार यादव, उन्होंने लगवा के। हाँ। अच्छा, आप जो है कि टेकारी की जो सरपंच मैडम है मेश्राम मैडम जो है, आप उनके कौन हुए? मेरी भाभी है, सगी भाभी आपकी। अच्छा, कितने साल से? 2 साल से आप काम कर रहे हैं। कभी किसी को आपने पैसे वैसे या कुछ दिया है अभी? कभी ऐसा हुआ है किसी चीज़ के लिए? नहीं नहीं नहीं। जो खबरें आ रही है कि महीने के 2000 रुपये कुछ लोग यहाँ से ले रहे हैं, खास करके नाम भी लिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कभी ऐसी कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। 6 साल, आज 6 साल, 6वां साल चालू हुआ और अभी 4-5 दिन से मुझे छठवाल में ज्वाइनिंग करा है नेताजी ने। 6 साल से आप मतलब काम कर रहे हैं, उन्होंने करवा के दिए जी? 6 साल में कितने रुपए दे दिए आपने उनको? कुछ भी नहीं दिए, 1 रुपए नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ 2000 रुपये महीने के देते, ऐसा इल्जाम लगाया? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये गलत बात है, गलत है। हाँ, गलत है। सालों में कभी पैसे वैसे नहीं दिए उनको महीने के जो? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों जब मैं HMS के केंद्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी से बात किया, उन्होंने पूछा कि आप पे जो है इंटेक वेकोली नागपुर क्षेत्र के अध्यक्ष नरेश बर्वे जी आप पे इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मेरा स्तर और उनके स्तर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए मैं उनके किसी भी बात पर कुछ कहना उचित नहीं समझता। इस तरीके से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पैसे लेते हैं या फिर पैसे लेने का जो काम है, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे किसको नहीं मिल रहा है इसलिए इशू बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, बातें बहुत सारी हैं, आने वाले वीडियोस में हर एक पहलू पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा, और इस आंदोलन जो भी चल रहा है कितने हद तक सही है, कितना हद तक जायज़ है, और उससे क्या नुकसान हो रहा है और उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। खबर यह भी मिली कि सुनीता पृथ्वीराज मेश्राम जो आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वहीं के जो लोग हैं, वहाँ के जो असंगठित कामगार हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वीराज मेश्राम जो सरपंच मैडम के हस्बैंड है, उनके ऊपर एक केस चल रहा है WCL में जो चोरी से रिलेटेड है, और उसको लेकर के भी यह मुद्दा बहुत जल्द हो सकता है कि शायद उठ जाए। कामटी सबरिया क्षेत्र और गोंडेगांव सबरिया क्षेत्र की जो खदान है, यहाँ के एक बड़ी संख्या में जो असंगठित कामगार सभा के यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं वो HMS से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बात अगर लोकल की है तो यहाँ पे दोनों खदान हम अगर मिलाएं, दोनों सबेरिया क्षेत्र अगर हम मिलाते हैं, तो इस क्षेत्र में जितनी भी खदानें हैं यहाँ पे लगभग 350 से ज़्यादा लोग काम करते हैं,
वर्कर हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लोकल की बात है तो हम 350 लोग अपने परिवार के साथ में हजारों की संख्या में पुलिस स्टेशन कान्हान के सामने बैठ जाएंगे अगर ऐसी बात है, लोकल की बात है तो।